नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग में जो किसी की समझ से बाहर है। हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं जी, सऊदी अरब ने जमात इस्लामी के तमाम जो उन्होंने जो बुक्स लिखी थी, जमात इस्लामी वालों का जो लिटरेचर बेसिकली था, उसको गैर इस्लामी करार दे दिया है और इस्लाम दुश्मन भी करार दे दिया है। और उनका ख्याल है कि जमात इस्लामी जो है उसका कोई भी जो लिटरेचर है वो सऊदी अरब के हिसाब से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन मौदूदी के बेटे हैदर मौदूदी से सवाल पूछा कि आपके वालिद ने आपको जमात इस्लामी से क्यों दूर रखा है, यानी जो जमात इस्लामी के हेड हैं एक तरह से मौदूदी, अब काफ़ी बड़ी सीट पे मौदूदी साहब, उनके बेटे से जब पूछा गया कि जी आपको आपके फादर ने जमात इस्लामी से दूर क्यों रखा है, तो उनका ये कहना था बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई ड्रग डीलर अपने बच्चों को ड्रग से दूर रखता है। अब इस बात का क्या मतलब लिया जाए, आपको समझदार है। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको दिखाते हैं एक और मौलाना की वीडियो और सुने कि ये किस किस्म की नॉनसेंस बातें कर रहा है कि एक बाप और बेटी के रिश्ते को लेकर किस तरह की, मैं जैसे कहती हूँ बकवास कर रहा है। लेकिन ये कि सुनते आप सुनिए और खुद अंदाजा लगाइए कि इन जो मौलाना होते हैं या ये जो मौलवी माफिया है, इनके दिमागों में भूसा भरा हुआ है। शरीयत ने कहा है, शरीयत ने बताया कि जो बच्ची बेटी दो तीन साल की हो जाए तो बाप को ये हुक्म है कि तुमने इसका मुंह नहीं चूमना अपनी बेटी का, इसका मुंह नहीं चूमना। और अब क्या हो रहा है, बेटियां, जवान बेटियां बाप से गले मिल रही हैं नहीं मिल रही, बहन भाई आपस में गले मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। अरे यार सखी भैन मुल साहब किडिया तुम, थोड़ा जहन किड्डा गंदा है। यानी अल्लाह कुछ कह रहा है, हम कुछ कह रहे हैं। देखा आपने इस मौलवी के दिमाग में कितना कचरा भरा हुआ है। भला ये क्या बात हुई कि बाप बेटी को गले नहीं लगा सकता, बाप बेटी को चूम नहीं सकता, किस नहीं दे सकता। ये बातें ये मौलवी साहब कर रहे हैं और इनको शर्म भी नहीं आती। इसी तरह के यहाँ पे मौलवी माफिया जो है वो भरी पड़ी है पाकिस्तान में। आप मतलब जहां जाएंगे आपको इस तरह के 150 लोग तो मिल ही जाएंगे। और इनको सही करने का क्या तरीका है, इनसे छुटकारा पाने का क्या तरीका है, ये बहुत सीरियसली सोचने वाली बात है। वैसे तो कहते हैं ना कि किसी का अगर स्टमक खाली हो तो आपको बता देता है, मतलब स्टमक जो है वो कहते हैं जो दिमाग है उससे बेहतर होता है, क्योंकि अगर वो खाली होता है तो कम से कम बता तो देता है। लेकिन अगर दिमाग खाली हो तो दिमाग खाली होने का आपको पता नहीं लगता है। बिल्कुल इस मौलवी की तरह कि इसका दिमाग खाली है और ये बात कर रहा है, लेकिन इसको बेचारे को पता ही नहीं कि इसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, उसका दिमाग खाली है, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा हुआ है और उसी तरह की ये बातें कर रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये बताते हैं जो हमने खैर शायद पहले भी आपको बताया था कि यूएई ने में जो है वो इसराइल ने अपना जो एम्बेसी है वो ओपन कर ली है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी इसराइल की एम्बेसी बड़ी जल्दी हम देखें ओपन होते हुए, क्योंकि हम तो जी फॉलो करते हैं सऊदी अरब को, यूएई को और जितने पैसे वाली कंट्रीज है ना उनको। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर बार बार हमसे इंडियन शोज में ये क्यों पूछा जाता है कि जी पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के लोग जो है वो चाइनीज मुस्लिम्स के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते। भाई जाहिरी सी बात है, सीधी सी बात है, हमने उनसे इस कदर पैसा ले रखा है, हमारा दिमाग खराब है कि हम उनसे कुछ बोलें और वो हमें जो है हमारा सारा खाता बंद कर दें और फिर हमारी रोटियां कौन चलाएगा। तो जाहिर है जहां जहां से हम पैसे लेते हैं वहां वहां पर, या हम प्रोजेक्ट लेते हैं, ज्यादातर तो वैसे हम पैसे ही लेते हैं, प्रोजेक्ट तो हमें शायद ही कोई देता हो,
तो अगर वो लोग जो भी हमें लोन के नाम पर या किसी भी तरीके से हमने अपनी चीजें गिरवी रख के जिनसे पैसे पकड़ रखे हैं हम उनको तो ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तान में जो मीडिया है वो इस खबर को लेकर बिल्कुल भी कोई कवरेज नहीं दे रहा है। इससे पहले भी सऊदी अरेबिया ने एक बड़ी बात की थी जिसमें उन्होंने बोला था कि हम हदीस को अपडेट करेंगे, हदीस को अपडेट करेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप समझ रहे हो। पाकिस्तान एक वो मुल्क है जो फ्रांस में एक छोटी सी घटना हो जाती है उसको लेकर उन्होंने अपने मुल्क में आग लगा दी, लोगों को मार दिया, कई दिन तक शहर बंद थे। इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये सऊदी अरेबिया के खिलाफ इनके अंदर बोलने की कोई हिम्मत क्यों नहीं है। सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि जमात इस्लामी का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा गैर इस्लामी है। जमात इस्लामी, जमात इस्लाम की हिस्ट्री बता दूं आपको, इसे अंग्रेज़ों ने बनाया था। ये टोटल मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का टोटल एक जमात इस्लाम है जो सबसे बड़ी मतलब जमात है। इस जमात का जो रवैया है स्पेशली पाकिस्तान बांग्लादेश की, वो भारत के खिलाफ रहता है, और इंडिया वालों की आपको भी पता है कैसा रहता है। तो दोस्तों, जो बांग्लादेश की जमात इस्लामी है उसका भी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ भारत के खिलाफ, कश्मीर में मोदी के खिलाफ, NRC जमाना फलाना ठिकाना को लेकर। ये बांग्लादेश के मुसलमान जो जमात इस्लामी के हैं स्पेशली, बहुत प्रदर्शन करते हैं, ढाका में आग लगा देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं। अभी जो कोई एक नरसिंह, मुझे याद नहीं उसका नाम, जो उसको लेकर भी इन्होंने प्रदर्शन किया था, नरसिंह कोई स्वामी सरस्वती ऐसा कुछ नाम था उसका। तो ये जमात इस्लामी वाले अब कहाँ मर गए, हदीस को अपडेट करने की बात कही है, इनका सिलेबस ही टूटल, इनको काफिर ही करार दे दिया सऊदी अरेबिया ने, ये कहाँ मर गए। ये बोलेंगे सऊदी अरेबिया से जाकर करेंगे कुछ बात, या ये पूरे साले क्या बोलूँ मैं, अब इनका डबल स्टैंडर्ड कहाँ है इनका, ये पसमानदा। बेसिकली ये सऊदी अरेबिया वाले इनको पसमानदा मुस्लिम ही समझते हैं। पसमानदा मुस्लिम के बारे में ज़्यादा आपको बताना नहीं चाहता, हिस्ट्री में जाके पढ़िए, लेकिन इनका ये डबल स्टैंडर्ड है। फ्रांस को लेकर ये अपने मुल्क को आग लगा देंगे, लेकिन ये सऊदी अरेबिया के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। अगर बोलेंगे भी तो ये बोल देंगे कि सऊदी अरेबिया बहुत जल्द बुत परस्त होने वाले हैं, जमाना फलाना ठिकाना, इस तरीके की बातें करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो जमात इस्लामी के सिलेबस को गैर इस्लामी बोल दिया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जमात इस्लामी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं भारत के सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में मुसलमानों की आधे से ज़्यादा आबादी रहती है, और ये जमात इस्लामी उनमें सबसे बड़ी जमात में से एक है। तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, और ये लोग, दोगले लोग क्या इस पर कुछ बोलेंगे।